नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे यूपी फटाफट की। अंबेडकर नगर जिले के आलापुर थाना क्षेत्र में वृद्धा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं बुजुर्ग महिला को जान से मारने की आशंका जताई जा रही है। सोमवार की सुबह लगभग 4 बजे मृतका यशोदा देवी घर से टहलने के लिए निकली थी। मौके पर पहुंची इलाके की पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र में रविवार को खेत पर पशुओं को चारा देने गई किशोरी का शव खेत में मिला। परिजनों और ग्रामीणों ने दुष्कर्म के बाद पहचान उजागर हो जाने के डर से हत्यारों द्वारा किशोरी की जान लेने की आशंका जताई है। घटना की जानकारी होने पर ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंची थाना पुलिस को शव नहीं उठाने दिया और पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। सोनभद्र में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज पांडे, महासचिव रमेश गौतम की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के ग्राम जनसंवाद कार्यक्रम के तहत दूधी म्योरपुर के डोनहर में कनेक्ट्री कॉलोनी में जिला उपाध्यक्ष श्रवण कुमार के निर्देशन में दिल्ली मॉडल के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना गया। साथ ही आश्वासन दिया गया है कि यदि आम आदमी पार्टी प्रदेश में आती है तो सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़कें जैसी समस्याएं जो है वो दूर की जाएंगी। सिंगरौली जिले में 28 फरवरी को अडानी ग्रुप के चेयरमैन एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कंपनी को मिलेकोल ब्लॉक का निरीक्षण किया। इसके अलावा प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों से मुलाकात की। फतेहपुर के जाफरागंज थाने में रामलीला के मंच पर बारबालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बिना परमिशन के बारबालाओं का डांस का कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। नोएडा में रियान इंटरनेशनल स्कूल के सामने हंगामा देखने के लिए मिला। स्कूल की मनमानी को लेकर अभिभावक लगातार प्रदर्शन करते रहे, वहीं ऑफलाइन परीक्षा का विरोध करते रहे। ऑनलाइन परीक्षा पहले ही ले चुका है स्कूल, जिसको लेकर अभिभावक ये प्रदर्शन कर रहे थे। सहारनपुर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते इलेक्ट्रिक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुलंदशहर के डाइट परिसर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायरकर्मी आग बुझाने में जुटे रहे। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग लगने की। सिटी कोतवाली क्षेत्र के डीएम रोड स्थित डाइट परिसर का यह पूरा मामला। चंदौली में शराब तस्करी का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। बताया जा रहा है कि राजस्थान से कार से ये शराब की खेप बिहार ले जाई जा रही थी। कार में चैम्बर बनाकर छिपाई गई थी शराब की बोतलें, जिसकी कीमत करीब 2 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। कानपुर देहात में एक महिला सिपाही के पति ने अपने मकान मालिक की पत्नी और उसके दोनों बच्चों को आग के हवाले कर दिया। अर्चना किचन में खाना बना रही थी, उसके बच्चे पास में बैठे थे, तभी उसने किचन में पेट्रोल डालकर तीनों को आग के हवाले कर दिया, जिसमें तीनों बुरी तरह से झुलस गए। मेरठ सरूरपुर थाना पुलिस की गौकशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से 5 गौकश घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने सीएचसी सरूरपुर में भर्ती कराया। पिछले दिनों रिथाली में गौकशी की घटना को अंजाम दिया था। कानपुर में महंगाई के विरोध में अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां गैस सिलेंडर को ठेले पर रख शोभा यात्रा निकाली गई। लगातार बढ़ रही गैस कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कानपुर उद्योग व्यापार मंडल ने यह अनूठा प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया। बर इलाके में निकाली गई महंगाई को लेकर शोभा यात्रा। मेरठ में कोरोना टीकाकरण का सोमवार से अगला चरण शुरू हो गया है। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र वालों का टीकाकरण हो रहा है। इसके अलावा 45 से ज्यादा उम्र वाले लोग जो कि बीमार हैं, उनका भी टीकाकरण किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने टीकाकरण की शुरुआत की। मेडिकल कॉलेज में इसका नाम सॉफ्ट कोविन टीकाकरण किया गया। अम्बेडकर नगर में आज 11 महीने से भी ज्यादा लंबे वक्त के बाद 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए। वहीं छात्र और टीचर के चेहरों पर काफी मुस्कुराहट और मास्क लगे हुए नजर आए। इनकी आंखों में इस टाइम काफी उत्साह देखने के लिए मिला। मेरठ में चोरों ने धर्मस्थल पर हाथ साफ कर दिया। सेंटर मेथोडिस्ट चर्च में चोरों ने चोरी की। उससे पहले भी 2 बार ये चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं उसी चर्च में। चोरों ने 70,000 के माल पर हाथ साफ कर दिया। थाना लाल कुर्ती क्षेत्र का ये पूरा मामला। कौशाम्बी जिले के गुवारा गांव में गेस्ट हाउस में रविवार को भुर्जी भोजवाला बिरादरी का परिचय और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद के भुर्जी भोजवाला समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सिंगरौली जिले में 3 दिन में 3 लोगों की जान जाने से सनसनी फैल गई। पुलिस अब तक किसी भी हत्यारे को पकड़ नहीं पाई है। बेखौफ हत्यारों ने 3 लोगों की जान ले ली, इससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। संभल में निर्वाचन विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल गुन्नौर ब्लॉक के गांव कला में करीब 70 ग्रामीणों के नाम बीएलओ की साठगांठ से मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। जब लोगों को इसकी जानकारी हुई तो वो आक्रोशित हो गए। सहारनपुर में कार्यकर्ताओं ने बढ़ती गैस की कीमतों को लेकर और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। गैस सिलेंडर कंधों पर लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और यूपी फटाफट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।